पहले जो आए है ये कि गांव बस्ती ने काई ने ना सुनी कि भाई ये तो जन कहा करंगा कहा ना करंगा, इनकी मतलब एक बुक सुनाई ही ना करी। तो फिर ये जब दोबारा आया मैंने इनको कह दी कि भाई तुम मतलब ये शुरू करो, जैसे भी है अच्छो है या बुरो है, जैसे भी काम है वैसे तुम शुरू करो या काम। Mosaic organization is one of the largest global producers of phosphate and potash fertilizer, which is a key nutrient for the farmer. Mosaic is focused on sustainable agriculture. It's critical for us in the future. We're working locally in the communities with innovative organizations that bring solutions to the table. पहले काई में 5 मन हुए और काई में 10 मन हुए वो बात ही नहीं, अब मतलब ये 20 मन 25 मन की खेती बैठ जाओ। One of the things that we observed was the gap in the use of science and technology, especially among the smallholding farmers. ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं इसमें कृषक विधि है जिसमें आपने अपने तरीके से खाद डालते हैं। इधर देख रहे हैं इसमें कृषि ज्योति विधि है। यहाँ पे किसानों को यही समझाते हैं कि आप अपनी कोई भी फसल लगाएं तो बिना मिट्टी की जांच के पहले आप खादों का उपयोग न करें। In 2008 we started working in Mewat area. Soil health was the major issue and based on soil testing then we have given them the recommendation and it helps to increase the productivity level. किसान भाइयों, जो आपकी मिट्टी का सैंपल गया था उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और उसी के आधार पे हमने आपका पैकेज दिया है। जहां 2 बीघा में मेरा कपास मात्र 6 क्विंटल हुआ था और इस बार कृषि ज्योति की परियोजना आने के बाद में वो मेरा 1 बीघा में ही 5 क्विंटल हुआ है। On the water side, because of the low rainfall, it was a major challenge for them. And we implemented different water management practices. We have constructed check dams to really sustain their agriculture productivity as well as the water. के हम रेट चलाते थे, बोका चलाते थे, इंजन लगा इंजन फेल हो गई और आज ऐसा टाइम है कि हमारे गांव में इतना पानी, अलवर जिले में किसी गांव में पानी नहीं। We initiated drip irrigation, we initiated sprinkler irrigation. We started laser leveling. With increased income, there was a demand for better education facilities for children, and the project responded to that demand, and the support to education became another component of the project. मैं सहगल फाउंडेशन और कृषि ज्योति परियोजना वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कि हमारे गांव के स्कूल को सौंदर्यकरण किया है। प्रधानाचार्य महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने स्कूल का मेंटेनेंस और सौंदर्यकरण होने के बाद और पानी की फुल सुविधा होने के बाद आप कैसा क्या महसूस कर रहे हो? पहले जहाँ बच्चियाँ शौचालय में भी जाने से कतराती थी क्योंकि पानी नहीं डाला जाता था तो जाहिर सी बात है अंदर बदबू भी होती थी, लेकिन आज पानी की सुविधा होने के बाद बच्चियाँ सभी टॉयलेट्स में जाती हैं और पानी जो पेयजल की सुविधा का पहले अभाव था उस
की वजह से भी बच्चे जो पहले लंच टाइम में भी अपने घर पानी लेने के लिए जाते थे, चार दीवारी बन गई है, गेट लग गए हैं, तो कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाता। उसके जस्ट ऊपर वाला मंडल होता है, कौन सा? उससे ऊपर वाला आता है मध्य मंडल। कितने मंडल? 1, 2, 3, 4, 5। स्कूल का सौंदर्यकरण होने से गांव वालों का इंटरेस्ट बढ़ा है, वो अपने बच्चों को और आगे यहाँ पर भेजना चाहते हैं। इससे नामांकन भी बढ़ा है, बच्चे और आने लगे हैं। We've had the privilege and opportunity to work closely with the CSR project in India with the Sehgal Foundation. This engagement and this collaboration can lead the way for corporate and NGO partnership.